बलौदा बाजार की हर खबर छत्तीसगढ़ तक पर। हाँ, यहाँ पे हम बाहर निकलते हैं ना तो कोई भैया उन बैठे रहते, वो लोग देख देख के सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। हमको समस्या है, हमारे यहाँ सब कुछ भैया अच्छा करते हैं, आगे रह के काम बढ़ाते हैं, और वो लोग आते हैं और रात को लाइटें बंद कर देते हैं, कैमरे तोड़ देते हैं, बस यही चलता रहता है। नहीं, हमेशा एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मेरा घर बिकाऊ है। यहाँ ज्यादातर घरों के बाहर ऐसे पोस्टर लगे हैं जिसमें लोगों ने लिखा कि मेरा घर बिकाऊ है, क्योंकि हमें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये तस्वीरें देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की है, जहाँ नशाखोरों से परेशान लोग अपने घर को बेचने पर मजबूर है। ट्रेजर टाउन में बनी EWS टाउनशिप में रहने वाले लोग गुंडों से परेशान है। यहाँ से 2.5 साल में करीब 25 परिवार अपना घर छोड़कर चले गए हैं। वहीं यहाँ रहने वाले करीब 23 परिवारों का आरोप है कि वो कई बार पुलिस में इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ रहने वाली महिलाओं ने बताया कि वो यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बच्चों को घर से निकलने में डर लगता है, स्कूल जाने पर लड़के छेड़खानी करते हैं, जिससे लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकलती है। यहाँ पर ऐसा है कि मतलब अपन घर में रहें तो ज़्यादा देर अपन घर में भी नहीं रह सकते, थोड़ी देर बाहर निकलना भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो बाहर भी नहीं निकल सकते। यहाँ का नेचर कुछ इस तरीके का है नहीं कि अपन बाहर निकल सके। स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। हाँ, क्या होता है यहाँ पर? नशा दिखता है, कुछ बदमाश टाइप के लोग आके परेशान। हाँ, यहाँ पे हम बाहर निकलते हैं ना तो कोई भैया उन बैठे रहते, वो लोग देख देख के सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। आप लोगों ने शिकायत की इसके बारे में? नहीं, अभी हमने मम्मी पापा को ही बताया बस। घर में रह नहीं सकते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, और गांजा चरस ये सब चीज़ें बिकती रहती है। कुछ अच्छा करने जाते हैं, कैमरा तोड़ देते हैं, और अभी तो बैठने की जो सीट थी उस पर बैठ जाते थे थोड़ी बहुत देर, तो वो भी किसी ने तोड़ के फेंक दिए। मतलब पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, शिकायत की आप लोगों? नहीं, हमेशा एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर वो एक्शन लें तो अगर थोड़ा माहौल सुधरे तो फिर हम सोचे भी कि चलो रह सकते हैं। महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, कोई निकल ही नहीं पाता है बाहर, ना बच्चे निकल पाते हैं, ना हम लोग निकल पाते हैं। थोड़े दिन पहले निकलते थे तो खड़े होकर गाली गलौज करना, तो फिर कौन सुनेगा? ऐसे माहौल में कौन रहना पसंद करेगा? मुंह के आगे गाड़ियाँ लगा देते हैं, और इतनी स्पीड में गाड़ियाँ जाती हैं तो बच्चों को लेके कैसे निकल सकते हैं? और वो पिए हुए रहते हैं, उनसे बात करना भी बेकार है। हमको समस्या है, हमारे यहाँ सब कुछ भैया अच्छा करते हैं, आगे रह के काम बढ़ाते हैं, और वो लोग आते हैं और रात को लाइटें बंद कर देते हैं, कैमरे तोड़ देते हैं, बस यही चलता रहता है। क्या है, नशा बिकता है? नशा बिकता है, इसीलिए तो लाइटें बंद कर देते हैं कि ये लोग दिखे नहीं कैमरे में, और हर रोज थोड़ी अपन ठीक करा सकते हैं। आपने घरों के बाहर पोस्टर भी लगाए? घरों के बाहर बेचने के लिए इसीलिए लगाए कि अब हमारे यहाँ बच्चे भी हैं, हम बच्चों को छोड़ के काम पे जाते हैं, घर पे थोड़ी ना रहते, उनकी दिन भर ऐसे देखभाल करते रहेंगे। ये परेशानी है, जैसे कि गुंडागर्दी है, दारू दंगड़ वाले हैं, गांजे भंगेड़ी वाले हैं, तो हमारे बच्चे भी होशियार हो रहे हैं, तो वो भी क्या है, यहाँ पे वही हालत में रहेंगे, देखेंगे तो वही कंडीशन रहेगी उनकी भी, वो बच्चों की। डर लगता है क्या? तो डर तो लगता है, यहाँ से दीवार खुदा फान करते हैं, आते जाते हैं, कल कदार को हमारा गेट इस बाहर है, कल कदार को गेट भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। अभी पुलिस वालों से यही मांग की कि यहाँ पे गश्ती लगाए, दिन में 4 बार चक्कर लगाए, क्राइम पेट्रोल की गाड़ी चले यहाँ पे, तो उससे कुछ सुधार हो तो हम मकान बेचना भी बंद कर देंगे। वही इस मामले में DCP ने बताया कि उन्होंने रहवासियों से बातचीत की, सभी की बात सुनी, इस घटना पर उचित कार्रवाई की जाएगी, लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में इस तरह की घटना अब दोबारा ना हो। मुख्य शिकायतें जो सामने आई हैं लोगों की, पहली इंफ्रास्ट्रक्चरल शिकायतें हैं, जो उनका कहना है कि बिल्डर के द्वारा जो वादे किए गए थे जब उन्होंने घर खरीदे थे, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन का लेवल था, जिस तरह का डेवलपमेंट करके देना था, वो शायद पूरे नहीं हो पाए हैं। उसमें बिल्डर के प्रतिनिधि भी आए थे, तो उनसे भी बातचीत की गई है, और उनसे भी समन्वय बैठाकर यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें हैं, बेसिकली लाइट्स की कुछ कमी थी, CCTV कैमराज की जो कमी थी, कुछ जगह पेपर ब्लॉक्स की कमी थी, वो विद इन नेक्स्ट 3 डेज जो बिल्डर के प्रतिनिधि आए उन्होंने बोला है कि इसमें काम होके उसमें वो जो सिचुएशन है उसको रेक्टिफाई करेंगे। हाँ, कुछ घरों में ऐसे ज़रूर पोस्टर लगे थे, वो उनकी जेन्युइन समस्या थी मुझे लगता है, और उसी जेन्युइन समस्या के चक्कर में परेशान होकर शायद उनको लगा होगा कि हम इसमें क्या करें, इसलिए उन्होंने लगाया होगा। और मुझे लगता है कि जब हम प्रशासनिक लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा कर्तव्य है कि हम आके देखें कि लोगों को ऐसी समस्या ना हो, और अगर वो ऐसा मजबूरी में कोई स्टेप उठा रहे हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या किया जा सकता है वो तत्काल किया जाए।
वही घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले पर सीएम शिवराज खुद बैठक करेंगे। वही गृह मंत्री ने गुंडों को चेतावनी भी दे दी कि अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो कड़ी कार्रवाई होगी। मैं कल ही इंदौर से आया हूँ, इस विषय पर विस्तार से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई है। इस विषय पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चर्चा करने वाले हैं। जहां तक मेरे संज्ञान की बात है, इसमें हमने जो संज्ञान लिया है उसमें बिल्डर ने अभी कॉलोनी को उन्हें समर्पित नहीं किया है और इस कारण से वहां पर कुछ बदमाशों की जानकारी आई थी, वहां पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां अंधेरा और सफाई की समस्या थी, उसके लिए नगर निगम को माननीय मुख्यमंत्री जी हिदायत करने वाले ही हैं। और ये स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि वो जो लोग भी गुंडे हैं या बदमाश हैं जिनसे उन्हें डर है, उन गुंडों को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि इस तरह की शिकायत अगर दोबारा आई तो बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, संभल जाए नहीं संभाल दिए जाए। फिलहाल इस घटना के बाद अब पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि इंदौर में गुंडों को प्रशासन का कोई डर नहीं है, लेकिन अब गृह मंत्री ने भी कह दिया है कि इंदौर में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह की हरकतें करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।